मैं एससी मिश्रा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वर्ग दशम विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका पाठ एक माता का अंचल लेखक शिव पूजन सहाय भाग दो। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर हजार राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। ओर का अर्थ तरफ। लेखक महोदय कहते हैं कि उनके पिताजी बैठ करके पूजा पाठ करते थे और एक रजिस्टर रखते थे, बही रखते थे, जिसमें रोज हजार हजार बार राम नाम लिखना रहता था। वह लिखते थे और फिर 500 कागजों के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर उसे आटा की गुल्ली में लपेट करके उसे लेकर गंगा की तरफ चल देते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। विराजमान का अर्थ उपस्थित। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। लेखक महोदय का कहने का अभिप्राय यह कि वह पिताजी के सभी काम में सहभागी होते थे और पिताजी जिस किसी काम को जो भी अंजाम तक देते थे उनमें वह उनके साथ रहते थे और साथ रह करके उस काम को जितना समझते नहीं थे उससे ज्यादा आनंद लेते थे और अनेक प्रकार की हंसी ठिठोली किया करते थे। तो जब गंगा जी में उनके पिताजी मछलियों को चारा के रूप में वह आटा की गोलियां देते तो वह देख करके लेखक महोदय मन ही मन प्रफुल्लित होते थे और उधर से लौटते समय बगीचे में जहां पेड़ की डालियां नीचे झुकी ओर झुकी हुई होती थी उस पर बिठा करके उन्हें झूला झुलाया जाता था। यह कहानी उस समय की है जिस समय बच्चे का लगभग अधिकांश पालन पोषण प्रकृतियों की गोद में हुआ करता था और प्रकृति से सब कुछ सबक लेने के लिए संघर्ष करने के लिए उनमें क्षमताएं विकसित की जाती थी। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। वह उतान पड़ जाते। उतान का अर्थ हुआ चित होना, पीठ नीचे और छाती ऊपर। और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारीक बारीक कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। फेरने का अर्थ घुमाना। लेखक महोदय कहते हैं कि उनके पिताजी उनके साथ खेला करने के क्रम में अखाड़ा भी लड़ते थे, कुश्ती भी लड़ते थे और कुश्ती लड़ने के क्रम में बच्चों को, लेखक महोदय को, उनके मनोबल को वे बढ़ावा देते थे, उन्हें प्रोत्साहित करते थे और जानकर चित हो जाते थे। और चित होने के बाद लेखक महोदय अपने पिता की लंबी लंबी मूछों को पकड़कर क्रीड़ाएं शुरू कर देते थे। उन्हें पीड़ा का अनुभव जब होता था तो लेखक महोदय के पिताजी उनसे छुड़ाते थे और छुड़ा करके फिर मनोरंजन के दूसरे अध्याय को प्रारंभ करते हुए उनसे चुम्मा मांगते थे
और खट्टा मीठा का करके बारी बारी से लेखक महोदय बाया दाया फेर फेर कर पिताजी के साथ अन्य प्रकार की क्रीड़ाएं करते। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूंछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूंछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते। कहते पिताजी का जब उनके साथ वह क्रीड़ा संपन्न हो जाता तो पिताजी उन्हें रुलाने के लिए उनके कोमल गालों पर अपनी दाढ़ी गड़ा देते थे और वह फिर लेखक महोदय झुंझलाकर उनकी मूंछ उखाड़ने लगते। पिताजी दिखावा के लिए रोने लगते और लेखक महोदय छोड़कर अपनी नासमझी के कारण दूर हट करके खिलखिलाकर हंसने लगते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। आज हम लोगों के यहाँ पश्चिमी सभ्यता ने वह स्थान ले लिया कि भोजन के लिए डाइनिंग हॉल डाइनिंग टेबल चेयर की व्यवस्था हो गया। कभी हमारे यहाँ खाने पीने के लिए ठाव पीढ़ी का व्यवस्था हुआ करता था, उसी ठाव पीढ़ी को चौका कहा जाता था। जमीन को लीपा जाता था, उस पर बैठने के लिए लकड़ी का आसन या तो बोरा का बना आसन लगता था, उस पर लोग बैठते थे पालथी मारकर और आराम से रसास्वादन के साथ भोजन ग्रहण करते थे। कहते हुआ हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। गोरस का अर्थ गाय का दूध और सान कर का अर्थ हुआ मिलाना। जब हम खाकर अफर जाते यानी पेट पूरा भर जाता तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। हट का अर्थ जिद। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, कौर का अर्थ निवाला। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे का को भर मुंह का और खिलाना चाहिए। उनकी लेखक की माँ कहती थी, माँ वैसे भी ममतालु होती हैं, ममत्व के मामले में पिता से वो दक्ष होती हैं, तो बोले भर मुंह का कौर खिलाना चाहिए। और वह कहती, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठौर का अर्थ हुआ स्थान। कहते जब बच्चा बड़ा बड़ा कौर खाता है तो भविष्य उसकी सुनिश्चित होती है, भविष्य में अच्छे अच्छे पद पर जाते हैं। यह सब बाल बच्चों को खाना खिलाने का एक तौर तरीका था। धन्यवाद।